बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैप आपके साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग देखें तो अच्छे बुलिश नोट पे हुई है, वॉल्यूम भी अच्छे यहाँ पे जनरेट हुए हैं और स्प्रेड भी बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे आरएसआई भी देखें तो इस वक्त काफी हायर साइड पर है। इस वक्त अगर हम देखें तो ये तकरीबन 84 के अराउंड है और डेली पे अगर नजर डालें तो 91 के अराउंड है। अच्छा, डेली पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, डेली पे एक बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल जो है वो फॉर्म हुआ है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकली इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, या इसको हम ग्रेव स्टोन डोजी भी बोल सकते हैं। और ये हाईएस्ट साइड पर है तो इसकी रिलायबिलिटी काफी हाई है विथ हायर आरएसआई। अगर RSI काफी हाई हो और इंडेक्स भी काफी हाई हो या कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक इसका प्राइस काफी हाई पे चला गया हो, ऑल टाइम हाई पे गया हो और वहां पे ये अगर ये बेरिश ये बनता है साइन, दैट मींस के थोड़ा केयरफुल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि काफी हायर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बेरिश रिवर्सल है तो यहाँ पे ये रिवर्सल शुरू करते बेरिश। अच्छा, इसकी इंडिकेशन आपको डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे जो है वो इससे मिलेगी कि 58,900 ये इसको मेंटेन करना चाहिए, यहाँ पे कोई विक बने यहाँ पे परफॉर्म करे तो तब तक तो सही है। तो इसकी निगेशन भी मिल जाएगी आने वाले दिनों में अगर कोई बुलिश कैंडल इसके ऊपर बनती है, एटलीस्ट 59,500 के ऊपर, यहाँ से ऊपर कोई अगर बुलिश कैंडल बनती है तो फिर मजीद इसमें अपसाइड देख सकते हैं। सॉरी, तो अभी अगर हम देखें आने वाले दिनों में थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करें, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो है जो 8,500 का बेंचमार्क था वो उसने इसको अचीव कर लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे हम करेक्शन विटनेस करें। अभी भी अगर हम देखें तो RSI पे ये लाइन चार्ट भी आ जाते हैं तो इसका हम जरा डाइवर्जेंस भी देख लें, तो हल्का सा डाइवर्जेंस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हल्का सा डाइवर्जेंस अब वीकली पे भी आना शुरू हो गया है। अगर यहाँ हम यहाँ लाइन बनाए अपर साइड पे अगर इसको ड्रॉ करें यहाँ पे एक ये लाइन, ठीक है, और हम RSI पे एक इस तरह की लाइन ड्रॉ करें, तो देखें यहाँ पे डाइवर्जेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखें अपर साइड पे जा रही है इंडेक्स पे और यहाँ पे लाइन अगर हम देखें तो ये यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है। मैं आपको इसको थोड़ा सा और ये एक्सपेंड करके बता दूं, ये देखें ये वीकली पे डाइवर्जेंस जो है हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, तो दैट मींस एक तो इंडिकेशन आपको डेली पे मिल गई है, सॉरी ये डेली का है, वो वीकली का था, दोनों एक साथ चल रहा था, ये मैं डेली का कर रहा हूँ। तो डेली पे डाइवर्जेंस मैंने पहले भी कहा था हल्का सा आ रहा है डाइवर्जेंस, तो यहाँ पर भी अभी हल्का सा डाइवर्जेंस है। यहाँ पे वीकली पे नजर डाल लेते हैं, वीकली पे भी एस सच देखें तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। डेली पे अलबत्ता डाइवर्जेंस आ रहा है, जिस तरह मैंने आपको कहा था डेली पे ही जो है वो बेरिश पैटर्न जो है फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड हैमर या ग्रेव स्टोन डोजी। तो अभी इस वक्त देखें तो इसमें तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, यहाँ बड़ा स्मूथ चल रहा है, यहाँ से अभी कोई डाइवर्जेंस इसमें वीकली पे नजर नहीं आ रहा, वो डेली पे था, सॉरी मैं टाइम फ्रेम में जाहिर सी बात है कंफ्यूजन हो गया था। तो अभी इस वक्त देखें डेली पे थोड़ा मोहतात रहे और वही जिस तरह मैंने आपको कहा था वापस हम इस पे आ जाते हैं, कैंडल स्टिक पे आ जाते हैं। तो डेली पे अगर नजर डालें तो यहाँ पे एक ये देखें इन तीनों को अगर ये क्रॉस करता है ये इंडेक्स, जैसे अभी ये तो उस पर तो रेजिस्टेंस ले लिया इसने 59,400 पे और इवन ये इसने यहाँ पे हाई भी किया है 59,500 का, एक्चुअली रेजिस्टेंस जो CPR के हिसाब से है वो 59,414 है और इसका सेकंड जो है लेवल है या बैंड कह लें हम CPR का मिडिल बैंड वो 59,188 का है और लोअर बैंड जो है 58,933 का है। तो इसको अगर ये सस्टेन करता है इन लेवल्स को, यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती है मार्केट की, तो हम यहाँ से फिर मजीद अपसाइड देख सकते हैं, वरना अदरवाइज ये अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा। और इवन अगर हम यहाँ पे वापस वीकली पे आ जाए और हम इसको अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो रेजिस्टेंस कहाँ पे नजर आ रहा है ये भी हम पता लगा लेते हैं, थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर लेते हैं,
ठीक है, ये हम लेंगे यहां से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो हम इस कैंडल की विक लेंगे, और ये डोजी की, ये डोजी का विक लेंगे, ठीक है, ये मैक्सिमम हमारा है, क्योंकि यहां पर भी ये तकरीबन जून को हुआ था, जून 2021 को ये लेवल टच हुआ था, ये वाला यहाँ पे डोजी बना था, और मार्केट ने काफी अच्छी यहाँ पे देखें करेक्शन लेते हुए डिप ली थी यहाँ पे, यही इसका आखिर में लो आया था 38,100 का, यहीं से ही ये वाला लेवल जो है बहुत क्रूशल लेवल है, लेकिन अभी काफी दूर है ये वाला लेवल, ठीक है ना, 48,900 का तकरीबन ये इतना बनता है ये वाला लेवल, और यही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है यहाँ पर, या इसको अगर हम कहें तो पिविटल पॉइंट है इसका, तो गलत नहीं होगा, यही इसका अगर वीकली पे देखें तो यही इसका पिविटल पॉइंट है, इसको मैं अगर ये कलर दे दूं तो सही रहेगा, ये पिविटल का एक अलग से हम कलर दे देते हैं, हम जैसे रेड और ग्रीन तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का देते हैं, तो ये पिविटल का जो है कलर है, तो इसको मतलब आसानी हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है चीजें, आसानी हो जाती है समझने में बहुत सी चीजें कलर के हिसाब से, तो ये इस कलर के हिसाब से अगर हम इसको रिकॉर्ड भी रखें तो ये पिविटल, इसको मैं लिख भी देता हूँ, चलें ये पिविटल पॉइंट इसको लिख देता हूँ, ये पिविटल पॉइंट हो गया इसका, ठीक है, ये पिविटल पॉइंट हो गया इसका। अच्छा, अब जाहिर सी बात है तो क्योंकि ये लेवल तो अभी काफी दूर है, लेकिन अपसाइड पे जिस मैंने आपको बताया ना इसकी नेगेशन जो डेली पे जो रिवर्सल का बन रहा है, बेयरिश रिवर्सल का पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर कह लें या ग्रेवस्टोन डोजी, इसकी रिवर्सल जो है यहाँ से मिल जाएगी अगर इसको ये ब्रेक करके परफॉर्म करता है ये वाला लेवल आने वाले दिनों में, ये वाला लेवल, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 60,500 का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम देखते हुए चलें तो अगला जो है रेजिस्टेंस ये 60,500 का बनता होना था, 60,520 का लेवल है, इसके हमने विक ली हुई है, और अगर इसके हम बॉडी ले लें, बॉडी भी ले लेते हैं इसकी हम यहां से, ये वाली बॉडी के हिसाब से भी देखें तो बॉडी के हिसाब से ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो एरिया बन रहा है 59,500 का, ये वाला लेवल जो मैंने अभी आपको बताया था जो उसने रीटेस्ट किया है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये कि इसको टच रीटेस्ट करे, और यहाँ से हम रिजेक्शन भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं, क्योंकि RSI काफी हाई है, डाइवर्जेंस भी आ रहा है, तो अब यहाँ पे रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये देखें, अब ये यहाँ से देख बहुत होता डिच कर जाती है मार्केट ना, कि वो यहाँ से अब जो है ये तो बेरिश आ रहा था लेकिन ये तो मार्केट यहाँ आ गई, लोग यहाँ पे जाके यहाँ से इनके साथ प्रैंक हो सकता है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन आ सकती है, तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल बहुत क्रूशल है, थोड़ा मोहताज रह के काम करें, ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल 59,568 और 60,520, ठीक है ना, तो अगर इसको ब्रेक करता है इंडेक्स तो फिर मजीद हम अपसाइड देख सकते हैं विद हैवी वॉल्यूम्स, याद रखिएगा हैवी वॉल्यूम्स और विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इसके साथ जो है अगर ये ब्रेक करता है तो फिर उसमें मुझे कि क्योंकि देखें ये मुस्तकिल यहाँ से जो है जब ये यहाँ पे बेरिश यहाँ से बुलिश कैंडल बनी है तो अभी कोई इसमें बेरिश कैंडल फॉर्म नहीं हुई, वीकली पे आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं 2nd of October 2023, और ये यहाँ से मुस्तकिल यहाँ से आप देखें बुलिश कैंडल बनाता हूँ, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, अब कितने वीक्स हो गए 1, 2, 3, यहाँ पे थोड़ा डोजी फॉर्म हुआ था, ठीक है ना, 4, 5, 6, 7, 8, ये 7 और 8 हफ्ते का मतलब ये समझे मुस्तकिल यहाँ पे हम ये बुलिश रन देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब हो सकता है एक और कैंडल यहाँ पे बुलिश बन जाए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी ये साइन बना था, ये बेरिश साइन ही था वीकली पे, ये जो मैं आपको साथ बता रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके बता दूं, ये वाला साइन जो था
ये वाला साइन, ये बेरिश साइन था लेकिन इसको नेगेट किया अगली बुलिश कैंडल ने। तो हो सकता है कि जो मैंने आपके साथ डेली के साथ शेयर किया है तो उसको ये कोई ऐसी बुलिश कैंडल, आपको डेली से अंदाजा हो जाएगा अगर डेली पे इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर आप इसमें मजीद जो है न्यू एंट्री ले सकते हैं, वरना अदरवाइज फिर स्टॉप लॉस के साथ आप काम करें, आगे एंट्री ना लें। बल्कि जिनके पास पुरानी होल्डिंग है और प्रॉफिट में है तो अपने स्टॉप लॉस को आगे करते हुए जाएं। ठीक है, अब ये आ गया, ये तो आ गया रेजिस्टेंस का, मैंने आपको बता दिया ब्रेकआउट का, रेजिस्टेंस का। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें नीचे की तरफ, तो सबसे पहले तो मैंने आपके साथ शेयर किया सीपीआर। ठीक है, सीपीआर के लेवल में दोबारा बता देता हूं, जो मिडिल बैंड है वो 59,188 का है और लोअर बैंड है 58,933। इवन ये 58,933 जो है इसको सस्टेन करता है यहाँ पे, इसको ब्रेक नहीं करता और नीचे नीचे परफॉर्म करता है, तो फिर हम डेली के हिसाब से देखेंगे, प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी आ जाएंगे। तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया 58,400 का एरिया जो है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूं। ठीक है, ये 58,400 को रिटेस्ट कर सकता है जब, अगर ये जैसे ही ये ब्रेक करेगा और यहाँ सस्टेन करना शुरू कर देगा, देखेंगे कि भाई आप जैसे डेली पे आपसे बता रहा हूं तो ये तकरीबन 2-3 दिन यहाँ करता है, तो यहाँ पे ये रिटेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे अगर कोई विक बनती है और क्लोजिंग यहाँ पे कहीं आती है या यहाँ पे इसके बीच में क्या इसी के ऊपर क्लोजिंग आती है, फॉर सपोज जैसे इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया और फॉर सपोज यहाँ इसने 58,600, 500, 700 कहीं इसने क्लोजिंग दी है, तो उस पर फिर एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। एक तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा डेली पे, ठीक है, और वीकली पे अगर हम आ जाएं, अगर ये इसको 58,400 को ब्रेक करता है फॉर सपोज, तो फिर अगला जो है रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट जो है वो ये वाला एरिया होगा 57,767 का। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा। ठीक है, अब मैंने आपके साथ दोनों शेयर कर दिए, एक एरिया ऑफ जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आर एस आई भी थोड़ा कम हो जाएगा और यहाँ फिर हम देखेंगे कि डेली पे क्या सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमारा ये डेली पे और वीकली पे दोनों पे हमारा एरिया ऑफ वैल्यू फिलहाल अभी यही है। ठीक है, ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि अभी तो हाई टाइम फ्रेम में तो ये बहुत नीचे आ सकता है, ऑन द लोअर टाइम फ्रेम ये है और ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है वो हमारी ये है इस वक्त, ये हायर टाइम फ्रेम पे है। इसको ब्रेक करता है तो मजीद मार्केट और बुलिश हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी इस वक्त रेजिस्टेंस नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन 59,568 और 60,520, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री भी है। और अगर हम सीपीआर के हेल्प से देखें, इसमें आपके लॉस होने के बहुत कम चांसेस। मैं सीपीआर इसलिए शेयर करता हूँ कि कम लॉस होता है इसमें, अगर आप देखें कि अभी इसी बैंड में अगर कर रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप ट्रेड करें, लेकिन देखें कि अगर ये अपर साइड पे सस्टेन कर रहा है, जाहिर सी बात है फिर आप एंट्री लें और होल्ड करें विद स्टॉप लॉस। और इसके नीचे परफॉर्म करता है, इसके लेवल के नीचे जो अभी इस वक्त 58,900 का बता रहा है, तो फिर आप इस पर थोड़ा मोहतात रहें, नए लेवल पे अभी नई एंट्री पे ना जाएं जब तक ये लेवल जो है सस्टेन कर रहा है, नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है। तो दैट मींस कि ये 58,400 भी रिटेस्ट कर सकता है और 57,700 भी, तो फिर इसका वेट करें, फिर आप जो है ना 58,400 का वहां पर आप बाय करें 58,400-57,700 के दरमियान। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैं ट्रेडर से कहूंगा कि वो ट्रेड करें, और ऑब्वियसली इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, मैंने बीच में एक और भी वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बताया था और आपको जो है ईपीएस भी बताया था और पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये तीन चीजें आप देख लिया करें, ईपीएस है और आपका अल्लाह भला करे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप कोई भी कंपनी होती है जो आप बाय करना चाहते हैं उसका थोड़ा सा psx.com.pk पे जाके डाटा पोर्टल में जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं कंपनी को, तो उसका आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी लेटेस्ट आया, जो भी क्वार्टर है उसका, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर,
तो उस क्वार्टर का कम से कम निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा आगे प्रोग्रेस किया है और आगे आगे फ्यूचर फोरकास्ट क्या होगी उस शेयर की। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा आप अपनी तरफ से मेहनत कर लें तो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।